कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज बात करते हैं आदि पुरुष फिल्म के बारे में। दोस्तों, हम सभी लोग जान रहे हैं कि फिल्म रिलीज हो चुकी है और फिल्म के डायलॉग इतने वाहियात हैं कि मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कितने वाहियात हैं। मनोज मुंतशिर जो इसके डायलॉग लिखे हैं, पता नहीं वो गांजा पी करके लिखे थे कि क्या। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो ऐसे थर्ड क्लास छपरी टाइप डायलॉग कैसे लिख सकते हैं। आप वो हनुमान जी से वो डायलॉग कैसे बुलवा सकते हो जिनकी मंदिरें बनी हुई हैं, जिनकी पूजाएं की जाती हैं, जिनकी जिनसे लोग सीखने को मिलता है, लोग उनकी पूजा करते हैं तो कुछ अच्छा एनर्जी लोगों को मिलता है, और उनसे बुलवा रहे हो कि तेल तेरे बाप की, कपड़ा भी तेरे बाप के और जलेगी भी तेरी बाप की। बाप रे, ये तो हद पार कर दी आप लोगों ने, हद महाहद आप लोगों ने पार कर दिया, सारे मर्यादा को आप लोगों ने मटिया मेट कर दिया है। जाकर के देखो पुराने रामानंद सागर जी की जो सीरियल रामायण थी, एक एक डायलॉग में इतना पवित्रता भरा हुआ है, आज भी लोग उसको देख करके कुछ उससे सीख सकते हैं। और जितने भी डायलॉग उसमें लिखे गए हैं, अगर वो अपने जीवन पे इम्प्लीमेंट अगर कर लिया जाए तो लोगों का जीवन सुधर जाएगा। और ये आपने जो बनाई है आदि पुरुष, क्या आप युवाओं को क्या आप संदेश देना चाहते हो कि तेरे बाप का तू तरा के उतरा जाए? यार, तुम और तू दोनों में बहुत का अंतर होता है। तू छपरी टाइप गुंडे टाइप का एक साउंड क्रिएट करता है और तुम अपनापन आता है, तुम का भी एक होता है, एक अपना स्वाद होता है। तू तेरी मेरी, यार ये तो पप क्या आप लोगों ने खा रखी थी उस समय, और क्या आप लोगों ने डायलॉग लिखी है। आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी, आपने तो बहुत अच्छी अच्छी डायलॉग लिखी है। बाहुबली 2 के लिए भी आपने डायलॉग लिए, तेरी मिट्टी जो सॉन्ग थे उनके लिए भी आपने बेहतरीन, बहुत अच्छे अच्छे आपने लोहा मनवा चुका है इससे पूर्व अपने लेखनी का, और आप ये क्या लिख दिए। और इस फिल्म से जुड़े हुए हर एक लोगों से मेरी शिकायत है, चाहे वो एक्टर प्रभास हो, कृति सेनन हो, सैफ अली खान हो, या डायरेक्टर ओम रावत हो, या डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर। प्रभास, आपको फीलिंग नहीं आ रही थी जब आपने शूटिंग, जब आप शूटिंग इसका जब आपने शुरुआत की होगी तो आप जो शूट कर रहे होते तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगी क्या फिल्म है ये लोग बना रहे हैं। एक अच्छे एक्टर का क्या यही निशानी होता है कि थर्ड क्लास डायलॉग के साथ उस फिल्म का हिस्सा बनना? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपने एक तो एक्टिंग अच्छा नहीं हुआ है, आपका चेहरा लग रहा है कि क्या आप लोगों ने लगाया है पता नहीं, राम भगवान का कैरेक्टर आप लोग निभाते हो। यार पहले ऑडिशन तो कर लेते, रामायण देखने के बाद। आप कोरोना काल को ले लो, उसमें जो रामायण शुरू हुई थी रामानंद सागर जी की, दूरदर्शन का रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया था वो तो कोरोना काल, जो कि बहुत दिनों के बाद रिलीज किया गया था छोटे पर्दे पर, और जिस समय रामायण चल रही थी शुरू में उस समय भी रिकॉर्ड कायम किए गए थे। तो आप सोच सकते हो, लोग टीवी पर आरती दिखा रहे थे, और आपने आप बहुत सारे इंटरव्यू में मनोज मुंतशिर का कहना है कि हमने रामायण बनाई नहीं है। या क्या आप लोग स्टेटमेंट दे रहे हो? ओम रावत जी कह रहे हैं कि एक सीट जो है हॉल में, एक सीट हनुमान जी के लिए छोड़ना, और मनोज मुंतशिर कह रहे हैं कि जो हमने रामायण बनाई ही नहीं है। क्या बनाई है आप लोगों ने, क्या आप दिखाना चाह रहे हो? रावण को एक जानवर पे बैठा करके हवा में उड़ा रहे हो, मेघनाथ को टैटू लगवा रहे हो, हनुमान जी को मार खिलवा रहे हो, राम को लात घूसे से, श्री राम को लात घूसे से मार खिलवा हवा में उड़ेल दे रहे हो। आप लोग को शर्म नहीं आती है ऐसी फिल्में बनाना? हद करते हो आप लोग, क्या फिल्में आप लोगों ने बनाई है। मेघनाथ जब कुंभकर्ण और हनुमान जी के साथ जब उसमें युद्ध होती है तो मुझे थोड़ा सा भी नहीं लगा कि भाई ये कौन युद्ध कर रहा है। कुंभकर्ण हमेशा भारी पड़ रहा था, एक एक प्रहार हनुमान जी बड़े कष्ट से सहन कर पा रहे थे उस फिल्म आदि पुरुष में। और एक सीन तो यहां तक आती है कि इतना जोर से वार किया जाता है कि हनुमान जी हवा में उड़ करके कहीं और दीवार से जाकर के टकराते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, फिल्म बनाते हो आप लोग। अरे ऐसी फिल्में बनाओ। मैं किसी भी जाति या धर्म के पक्ष में कभी नहीं रहता, मैं हर एक टाइप का फिल्म देखता हूँ,
और दिल से देखता हूँ। आप फिल्में ऐसी बनाओ जो लोग उससे कुछ सीख सकें। आप कहते आप क्यों नए क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं, क्यों नए जमाने के लिए बना रहे हो फिल्में? अब देख रहे हो ना क्या हाल हो रही है, देख रहे हो ओम राउत प्रभास क्या सोच करके फिल्म में ओम राउत ने डायरेक्ट किया। और मनोज मुंतशिर का आप इंटरव्यू अगर उनका सुनोगे ना तो आप लोगों को तरस आएगा उन पे, पता नहीं वो उनका दिमाग कहाँ गया है। विभीषण जी के कैरेक्टर के साथ एक लेडीज को जोड़ दिया गया क्यों, और इस तरह से अश्लील टाइप से प्रेजेंट किया गया है पर्दे, क्या दिखा रहे हो आप लोग? यहाँ तक कि जब मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण जी को नागपास से जो बांध दिया जाता है उसके बाद जो सुसैन वेद उसका इलाज करते हैं, लेकिन यहाँ एक स्त्री इलाज करती है। ओ भाई साहब कुछ सीखो, रामानंद सागर की जो द्वारा बनाई गई थी रामायण सीखो जा करके भाई। एक एक शब्द जब वहां पे युद्ध छिड़ती है ना मेघनाथ और लक्ष्मण में, और जो बैकग्राउंड म्यूजिक आती है ना, आप देखो जा करके ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सॉन्ग के साथ जब अगर उस समय इतना इफेक्ट भी नहीं थे, वीएफएक्स भी नहीं था, कहानी के दम और डायलॉग के दम पे और म्यूजिक के दम पे जब तीर से तीर चलता है उस रामायण को देखने के बाद, आज भी गांव में बड़े पर्दे पे दिखाई जाती है कोई फेस्टिवल में तो लगता है कि कुछ देख रहे हैं, लेकिन ये देखने के बाद तो तरस आ रही थी कि आपने क्या दिखाया है। और फिल्में बनाओ यार, रावण का 10 सिर दिखा रहे हो, कुछ पता नहीं चलता है कहाँ से सिर आता है, मसाज करवा रहे हो सांपों से, रावण को मसाज करवा रहे हो सांपों से, तू तराक पे उतर आए हो अब सब लोग। तो मैं और कुछ बोल सकता था लेकिन क्योंकि ये श्री राम पे आधारित फिल्में थी, मेरी भी एक भाषा का मर्यादा रखना था अपनी भाषा का, तो मैं कुछ और ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। बाकी जो हमारे सब्सक्राइबर मित्र हैं, हमारे जो परिवार हैं, आप लोग को कैसी लगी मेरी कही गई बातें आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आप लोगों ने अगर फिल्में देखी हैं तो शेयर करें कि आप लोग को कैसी लगी फिल्में और डायलॉग। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।